आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं भैया, इनको सैंड्रोकोटस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सैंड्रोकोटस ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, तो इनको ये कहा जाता था। और आपको एक और बात बता दूं, मौर्यन साम्राज्य के स्थापक थे ये। सबसे बड़ा अभी तक भारत में किसी का साम्राज्य हुआ है तो मौर्य साम्राज्य, और अशोक के काल में तो ये बहुत ज्यादा फैल गया था। तो हम उनकी बात कर रहे हैं। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये उसका पार्ट टू यानी कि भाग दो है, जरूर देखिएगा, उसमें हमने काफी कुछ बताया था। तो आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, sed_e_connect में। ये एक्चुअली चेंज हो गया है, तो जितनी भी क्वेरीज है अब यहाँ पे आंसर होंगी। सारे लेक्चर्स की PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। ओल्ड पेज पे जो sed_education_connect है उसमें मत जाइएगा, या फिर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, और अब तो हमने खजाना लॉन्च कर दिया है सिर्फ 22,500 रुपए में। UPSC का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आराम से अवेल करिए और अपनी ड्रीम जॉब को निकालिए। ये नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या जीता था। मैंने पार्ट वन में आपको दिखाया था कि पूरा का पूरा मौर्यन साम्राज्य कहां तक फैला था, जब तक बृहद्रथ जो आखिरी किंग थे उनके काल तक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जब पावर में आए थे तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट सबसे पहले इन्होंने कैप्चर किया था, ये पूरा एरिया पंजाब का, यही ज्यादा फिजिबल था। और उसके बाद पाटलिया पुत्र पे अटैक किया था, नंद डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, धनानंद जिसके आखिरी रूलर थे, शिशुनाग डायनेस्टी को इन्होंने सक्सीड किया था, उसको ओवरथ्रो कर दिया। लोग परेशान हो गए थे इनके रूल से, बहुत ज्यादा टैक्सेस, ब्रूटल टॉर्चरस रूल था इनका, और ओवरथ्रो कर दिया था। जाहिर सी बात है कौटिल्य की उसमें भयंकर बेइज्जती हुई थी धनानंद के कोर्ट में, और कौटिल्य की प्रतिज्ञा ने पूरे के पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया। ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे एक्सपेंशन हुआ। तो भैया क्या हुआ था कि अभी तक हमने क्या देखा था, क्विक रिकैप देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था, अब देखिए इसमें वैसे अलग अलग वर्जन है। कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म जो था वो किंग लाइनेज में हुआ था, और मैक्सिमम लोगों का ये मानना है, क्योंकि इसमें काफी वर्जन है, हिंदुइज्म वर्जन है, बौद्ध वर्जन है, जैन वर्जन है, फिर तो अलग अलग वर्जन है। तो इसमें वैसे तो मैक्सिमम जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है वो यही बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शूद्र थे, ठीक है, और ये एक ऑर्फन थे। इनको जो पाला पोसा था, एक चरवाहों की फैमिली ने इनको पाला पोसा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। कौटिल्य की जब भयंकर बेइज्जती हुई थी नंद के कोर्ट में, तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं कुछ भी करके इनके साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, उन्होंने देखा कि ये गेम खेल रहे हैं और ये मॉक कर रहे हैं, जो नंद का जो पूरा साम्राज्य था उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और खेल खेल में उन्होंने ये भांप लिया था कि जिस तरह से ये लड़का एडमिनिस्टर कर रहा है, ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, तो इसी पे दांव लगाना उन्होंने सही समझा। उसके बाद 8 साल तक की ट्रेनिंग, भयंकर ट्रेनिंग चंद्रगुप्त मौर्य की स्टार्ट कर दी। जब गुरु ही चाणक्य जैसा हो तो भैया स्टूडेंट तो निकलेगा ही जबरदस्त। तो यही हुआ, 8 साल तक उनको मिलिट्री ट्रेनिंग, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, मैथ्स, आर्ट, सारी चीजें उनको सिखाई गई और निपुण किया गया। फिर उसके बाद फाइनली जो उनका गोल था, क्या था, नंद डायनेस्टी को उखाड़ के फेंकना, उस पर इंप्लीमेंट करने की बारी आई। लेकिन पहली बार में हार गए वो, तब उन्होंने ये शुरू में आइडिया छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि ऐसा है अभी इनकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है, हम पहले क्या करते हैं हाथ मिलाते हैं सबसे। और हाथ मिलाने के लिए ये जो ग्रीक वाले एरिया थे जहां पे ग्रीस, क्योंकि देखिए अलेक्जेंडर तो चला गया था, वो अपने जनरल छोड़ गया था, सत्राप छोड़ गया था, तो वहां के एरिया को कंकर करके, इस पंजाब क्षेत्र को कंकर करके, और उसके बाद हम पाटलिपुत्र पे अटैक करेंगे। और यही हुआ, उन्होंने अटैक किया और फाइनली मौर्यन साम्राज्य की 322 BC में स्थापना हो गई। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जब उन्होंने पाटलिपुत्र को भैया कैप्चर किया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बना दिया गया, बहुत ही ज्यादा खुशी का मोमेंट था। और फिर जैसा चाणक्य चाहते थे कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो फिर पूरा करने का वक्त था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैंने बताया था ना 16 जनपद में, महाजनपद में उस समय भारत डिवाइडेड था, आपस में एक दूसरे लोग वो आपस में लड़े रहते थे। दूसरी चीज, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया, इस बात से चाणक्य बहुत ज्यादा दुखी थे और वो चाहते थे कि कोई भी फॉरेन इन्वेजन ना हो। इसके लिए उन्होंने काफी मदद भी मांगी थी और धनानंद को ये बोला भी था, ये प्रस्ताव भी पेश किया था कि हम आपसी दुश्मनी छोड़ के उस जो फॉरेन इन्वेजन हो रहा है उसको हटाने के लिए काम करते हैं, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
लेकिन उन्होंने सुना नहीं, लेकिन भैया सामने खड़े थे पोरस, और ऐसी भयंकर तरीके से शौर्य से उन्होंने सामना किया कि अलेक्जेंडर की हवा टाइट हो गई, हालत खराब कर दी थी अलेक्जेंडर की, ये तो बात है। ठीक है, तो अब उनको किंग बनाया जाता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी लोगों का साथ लिया था, एक तो कंडीशन भी काफी फेवरेबल थी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, लेकिन उन्होंने काफी लोगों का साथ लिया था, उनमें से थे हिमालयन माउंटेन किंग, जिसको पर्वताका बोलते थे। ठीक है, अब पर्वताका और भी जो उनके एलाइज थे, चंद्रगुप्त मौर्य और स्पेशली चाणक्य को यह मालूम था कि एक बार अगर हम जीतेंगे तो यहां पे विद्रोह होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक एक करके उन्होंने इनको हटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले भैया पर्वताका की बारी आई, पर्वताका को बहुत ही चालाकी से हटाया। विष कन्या से इनका विवाह, इनको नहीं पता था वो विष कन्या है, इन्होंने विवाह किया और छूते ही इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद धीमे धीमे करके जितने भी इंसर्जेंस थे, जो भी आवाज उठा रहे थे, सबको एक एक करके उन्होंने खत्म किया और अल्टीमेटली भैया चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया और वही फिर एक सोल किंग होगा और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वो है ही नहीं, क्योंकि क्या था कि अभी तो उनके पास बहुत कम एरिया थे, उनको एक्सपैंड करना था, उसके लिए उनको और आर्मी चाहिए थी, और लोग चाहिए थे। तो यहां पे सिर्फ जीतने से काम नहीं चलता, मित्र देशों का भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाणक्य ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेट पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, जिससे उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो चले ही बहुत बढ़िया, साथ ही साथ जो उनके एलायंस भी हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करें। और चंद्रगुप्त मौर्य का तो बहुत ही बढ़िया साम्राज्य था भैया, काफी रोड्स बनाई, क्योंकि व्यापार के लिए रोड्स बहुत जरूरी होती है, इनको रोड बिल्डर भी बोला जाता था। इनके समय में भयंकर कनेक्टिविटी बनी थी, ठीक है, जगह जगह से कनेक्टिविटी, पाटलिपुत्र से देहरादून और हर जगह इन्होंने रोड बनाए, बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो ये चीज थी। अब क्या था, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बारी है एक्सपेंशन की। ठीक है, देखिए एक चीज तो बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा जीत का कारण था कि कोई पावरफुल रूलर का ना होना, यह बहुत ही जबरदस्त किस्मत थी। देखिए, अलेक्जेंडर ऑलरेडी चला गया था, ठीक है भैया, जाहिर सी बात है उसको भारत का मौसम नहीं भाया था, और ऐसा बोला जाता है कि उसको मलेरिया हुआ और बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, पहुंच नहीं पाया था ग्रीस, सब कुछ जीत के, लेकिन उसके बाद भी जीत का स्वाद वो चख ही नहीं पाया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो था वो वापस चला गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। फिर अब दूसरी चीज, पोरस की भी डेथ हो गई थी, यूडिमस ने उसको मार दिया था और उसके बाद भाग गया था वो। ठीक है, अंभी कुमार जो कि बहुत पावरफुल रूलर था तक्षशिला का, उसकी भी डेथ हो गई। तो कोई बहुत ज्यादा जो था रेजिस्टेंस नहीं था जो चंद्रगुप्त मौर्य को पेश कर सके, जिसका बहुत बड़ा फायदा अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य को हुआ। ठीक है, तो ये चीज थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अब एक्सपेंशन शुरू कर दिया। धीमे धीमे उसने क्या किया कि जितना भी अलेक्जेंडर ने क्षेत्र ऑक्यूपाई किया था, क्योंकि अलेक्जेंडर तो चला गया था, अपने सत्रापीज, यानी कि सत्रापीज मतलब गवर्नर्स होता है स्टेट्स, ठीक है, जिनको गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो अपने सत्राप्स यानी कि गवर्नर्स को छोड़ गया था ये सारी की सारी चीजों को गवर्न करने। तो धीमे धीमे चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको वहां से हटाना शुरू किया। ठीक है, इनके गवर्नर्स को वहां से हटाना शुरू किया और ये नॉर्थ वेस्ट एरिया जो पंजाब पाकिस्तान का एरिया, इसको जीतना शुरू किया। ठीक है, इसमें सेल्यूकस नेक्टर, इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल क्या है कि इसने अपनी सरकार जो है वो बेबीलोन में स्थापित कर दी थी, और जो अलेक्जेंडर ने राज खो दिए थे वो इसने दोबारा जीतना शुरू कर दिया। उसके बाद इसकी भिड़ंत तो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस ने ट्रीटी साइन कर ली एक दूसरे से, और फिर ये लोग दोस्त हो गए 500। और उस ट्रीटी में क्या दिया था, इन्होंने 500 एलिफेंट दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस नेक्टर को, जिसने जीत का काम किया था। ठीक है, काफी वॉर्स में भैया, उस समय वॉर एलिफेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए, मेरा पहला सवाल ये है कि सेल्यूकस नेक्टर की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था और उसने किससे शादी की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मौर्यन साम्राज्य के ही राजा से उन्होंने शादी की थी, लेकिन वो कौन था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, काफी कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब क्या होता है कि सेल्यूकस नेक्टर मेगास्थीन्स, हिस्टोरियन एंड डिप्लोमैट होते हैं, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है। ठीक है, वो भेजता है कि जाओ स्टडी करो, देखो दोस्त हो गए होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस नेक्टर। ठीक है, तो उनको भेजता है भैया पूरे के पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो जब मेगास्थीन ये देखता है, मेगास्थीन ने बुक भी लिखी थी इंडिका, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य को स्टडी करने के लिए, तो उनकी बुक का नाम इंडिका याद रखिएगा, क्योंकि काफी ये पूछा भी जाता है, इंडिका नाम है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो भैया इसमें ये लिखा था इन्होंने,
पूरा के पूरे साम्राज्य के बारे में इन्होंने वर्णन किया था कि कितना बड़ा चंद्रगुप्त का पैलेस है, कितनी ज्यादा लग्जरी है, लोग बहुत ही आराम से जीते हैं, और सबसे बड़ी बात है बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत बड़ी आर्मी है इनकी, 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 से ज्यादा हॉर्स, ये बहुत बड़ी आर्मी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, 9,000 वॉर एलिफेंट्स, ये वॉर एलिफेंट्स भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर ने जब पोरस की सेना में देखे थे तो चकरा गया था कि बोला यार ये क्या है और इनसे जीते कैसे, तो बोला था आंख में वार करो, ठीक है, जिसकी वजह से सारे के सारे हाथी गिरे थे और अल्टीमेटली क्योस क्रिएट हो गया था पोरस की आर्मी में, ठीक है। तो ये जीत का बहुत बड़ा कारण रहते हैं। जो सेल्यूकस नेक्टर की बैटल ऑफ इप्सस थी, ठीक है, उसमें भी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट दिए थे, उन्होंने बहुत बड़ा जीत का काम किया था, ठीक है। तो भैया ये जीत का काम बहुत जबरदस्त, ये वॉर एलिफेंट्स करते थे और इनको बहुत ही अच्छे से ग्रूम किया जाता था लड़ाई के लिए ही, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इन्होंने नॉर्थ को पूरा कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, मास्टर हो गए, राजा हो गए, साउथ का क्या? अब इन्होंने बोला कि ठीक है अब हम साउथ तक जाएंगे, और पूरा का पूरा पीछे जो दिमाग है ना वो चाणक्य का है, अर्थशास्त्र लिख दी थी, पूरा का पूरा दिमाग जो है वो चाणक्य लगा रहे हैं कि किस तरह से तुमको कंकर करना है, जीतना है स्टेट्स को, ठीक है। तो अब इन्होंने साउथ का एक्सपेडिशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा जीतने का एक्सपेडिशन, ठीक है। तो साउथ की बॉर्डर्स को ये जीतते गए, बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, ठीक है, और 300 BC खत्म होने तक इन्होंने पूरा का पूरा डेकन प्लेटो तक, जो कि महाराष्ट्र को पूरा कवर करता हुआ और कर्नाटक, उधर पूरा का पूरा ये जीत लिया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर जब अशोक है तो वो 4 कदम इनसे आगे निकले, उन्होंने तो फिर पूरा का पूरा साउथ सब कुछ जीत लिया था, और फाइनली फिर कलिंग वॉर होता है और उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, उनकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज थी सेल्यूकस नेक्टर के बारे में। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको एक ग्लिम्स दे ही चुका हूं, जनरल थे ये भैया, मकदूनियन ग्रीक जनरल थे, अलेक्जेंडर की आर्मी में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया था, बेसिलियस इनको टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। ये वॉर में आ गए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब सेल्यूकस इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सोचा, इन्होंने अपना जो पूरा किंगडम था वो बेबीलोन में, मतलब बेबीलोन को बेस बना के और पूरा आसपास का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। अलेक्जेंडर ने सब कुछ जीत ही लिया था, मैंने बताया था जब अलेक्जेंडर का रिव्यू किया था, लेकिन भारत में उसने पकड़ खो दी थी। क्यों? क्योंकि इधर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सारे के सारे उन एरियाज को अटैक किया जहां पे अलेक्जेंडर के सत्राप्स यानी कि गवर्नर थे। अब सेल्यूकस नेक्टर ने यह बोला कि भैया भारत में जो भी एरिया खो गए हैं हमारे, अलेक्जेंडर ने जो जीते थे छीन लिए गए हैं, उनको हम करेंगे कंकर। तो ये सिंधु के साइड से घुसते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की काफी बड़ी आर्मी हो गई होती है, भयंकर बैटल होती है, और एंड में फाइनली ट्रीटी साइन होती है सेल्यूकस नेक्टर के, कि ऐसा है कि आप 500 एलिफेंट लीजिए और हमको पंजाब दे दीजिए। सेल्यूकस नेक्टर वैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, और ये बात वो आराम से मान लेते हैं, और इन्हीं के ही डिप्लोमेट होते हैं मेगास्थीन्स, जिनको कोर्ट में भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से कॉन्फ्लिक्ट का एंड हो जाता है, और जैसा कि मैंने बताया पीछे दिमाग चाणक्य का है, सब चाणक्य डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए शायद इतना बड़ा एम्पायर बन पाया, ठीक है। अब भैया ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस है ना वो भारत में बहुत दिनों तक रहा, पहले गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक से ही इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है कि नहीं, पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे भारत में वो इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। इवन चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसार, जिसको अमित्रघात भी बोला जाता है, उसके कोर्ट में भी डायमाकोस आया था, ठीक है, ये भी ग्रीक एम्बेसडर था। तो ये ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस है अलेक्जेंडर के बाद वो बना रहा, हालांकि अलेक्जेंडर पूरे भारत को नहीं जीत पाया था, वरना आज हम सब लोग ग्रीक बोल रहे होते और हमारा जो पूरा का पूरा लहजा होता ना वो जैसे ग्रीस का है वैसा ही होता। तो ये तो पोरस की बहादुरी थी कि अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं हुई, खैर फिर उनकी आर्मी ने भी रिवोल्ट कर दिया था, वरना आज हम सब ग्रीक ही होते, ठीक है, लेकिन खैर जो होता है वो है। लेकिन खैर जो अभी है सो है, हिस्ट्री में इन सब की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और एक चीज और बता दूं कि चंद्रगुप्त ने सारे के सारे जो अलेक्जेंडर के जनरल्स हैं उनको मार दिया था। चंद्रगुप्त ने काफी वॉयलेंस टैक्टिक्स अपनाई थी, ऐसा नहीं कि बड़े दयालु राजा थे, साम दाम दंड भेद ये सीधा का सीधा बोलना था चाणक्य का, और यही चंद्रगुप्त ने अपनाया, ठीक है। उन्होंने बहुत ही ब्रूटैलिटी से कॉन्कर किया था, ठीक है। हाँ, प्रजा पे उन्होंने कभी भी, लोगों पे उन्होंने कभी भी अत्याचार नहीं किए थे, लेकिन जो राजा उनको रूल करते थे उनको छोड़ा भी नहीं था, ठीक है। तो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि अब वक्त आ गया, देखिए उन्होंने सब कुछ जीत लिया होता है,
उनका आधा भारत तो पूरा उनके पास होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि ठीक है अब जो भी है राजपाट मेरा बेटा देखेगा, मेरे पोते देखेंगे और अब मेरा वक्त आ गया है इस राजपाट को छोड़ने का। 298 बीसी में चंद्रगुप्त अपनी थ्रोन को छोड़ देते हैं, जैनिज्म अपना लेते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि जब वो जैनिज्म अपनाते हैं और राजपाट छोड़ के जा रहे होते हैं तो चाणक्य भी उनके साथ होते हैं। काफी इमोशनल मोमेंट रहा होगा, चाणक्य उनको जंगल तक छोड़ने आते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि मेरे बेटे मेरे पोतों और जो भी मेरी जो भी लोग आएंगे और जो भी मेरी फैमिली आएगी आगे, उन सबको आपकी ज़रूरत होगी, तो आप प्लीज़ इनके साथ रहिए। तो चाणक्य थ्रोन के साथ रहते हैं, उनका सन जो है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, जिसको अमित्रघात भी बोला जाता है, उसके साथ भी रहते हैं, उसको भी सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा, बेटे की तरह पाला था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, अपने सामने उदय होते हुए देखा था, और फाइनली उसका जैनिज्म अपनाना और इस थ्रोन को छोड़ना, ये काफ़ी दर्दनाक और मोमेंट रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेथ है वो श्रवण बेला गोला में हुई थी, ये बेसिकली कर्नाटक के पास एक जगह है बैंगलोर के पास, तो वहां पे इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने अपने आप को जब तक ये मरे नहीं तब तक भूखा रखा, तो ये बहुत ही दयनीय डेथ थी, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खराब, जब तक हम मरे ना तब तक भूखे रहेंगे। तो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य का एंड होता है और जो पूरी की पूरी राजपाट है वो बिंदुसार के पास में आती है। बिंदुसार बहुत ही बढ़िया राजा, मतलब इन्होंने कोई बहुत ऐसा काम नहीं किया होता है जिससे हम बोल सके कि वाह क्या बात है, जैसा कि अशोक ने किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। बिंदुसार के जो कोर्ट का मिनिस्टर होता है वो लगभग इसको कन्विंस कर ही लेता है कि आपकी जो माता की मौत के जिम्मेदार हैं, इनकी माता का नाम दुर्धरा होता है, आपकी जो माता के मौत के जिम्मेदार हैं वो है चाणक्य। ठीक है, हालांकि बाद में ये प्रूव हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बिंदुसार बहुत महान राजा तो नहीं थे, ठीक ठाक राजा थे, लेकिन इसके बाद भैया अशोक आए, उन्होंने तो मानता की सारी सीमाएं पार कर दी, अभी तक सबसे बड़े राजा हुए हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इस समय उनका जो इन्फ्लुएंस है हमारी गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है, उनका जब रिव्यू करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का एंड था। ठीक है, और फाइनली मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा का पूरा दिमाग जो था वो कौटिल्य लिखा था। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें मिनिस्टर्स थे, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, जिसमें ट्रेजरी थी, जिसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, और सबसे बड़ी बात इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी। जो आज का प्रेजेंट मॉडल है ना हर सरकार का, वो उस समय चाणक्य ने दिया था खोज के अपने अर्थशास्त्र में। तो ऐसा जो लोग भी बोलते हैं कि भैया भारत का कोई मॉडल नहीं रहा, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने हमको बर्बाद करके रख दिया है और अब इसीलिए हम ज्यादातर यूरोपियन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमको खुद का मॉडल फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारा वो कल्चर नहीं है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले ही सब कुछ लिख के चले गए हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो उसी हिसाब से इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते थे वो, एक इकोनॉमिक पॉलिसी होना चाहिए ताकि सबको अच्छे से जो जीवन है सबका वो अच्छे से बीते। ठीक है, तो ये चीज थी। बहुत ही बढ़िया रोड बिल्डर्स थे, ऑलरेडी मैंने बताया है 1000 miles तक इन्होंने रोड बनाई थी, क्योंकि इनका मानना था कि भैया देखो व्यापार करना बहुत जरूरी है, व्यापार अगर दूर देशों से करना है तो नेवी लेके आओ, नेवी भी थी, अशोक ने तो नेवी भी बना ली थी, पोर्ट्स भी बनाए थे। ठीक है, नेवी लेके आओ, और अगर घर में ही व्यापार करना है तो रोड्स लेके आओ। तो इन्होंने रोड्स बनाए बिहार से तक्षशिला तक, काफी रोड्स बनाए, फिर नेपाल कपिलवस्तु और उड़ीसा, ये सबको जोड़ते हुए प्रॉपर रोड नेटवर्क बनाया था। बहुत ही जबरदस्त इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। आप देख सकते हैं कि जो इनका डिविजन है एडमिनिस्ट्रेशन का वो किस तरह से है, सबसे ऊपर राजा, उसके बाद फिर मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेनापति जो कि आर्म्ड फोर्सेस का चीफ होता था, फिर उसके बाद नगरक, टाउन मैनेजर जिसको हम मेयर कहते हैं। वैसे भारत में तो मेयर की इतनी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर बाहर आप देखें तो काफी मेयर्स की, उनके हाथ में काफी पावर होती है। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद मिनिस्ट्री, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उनकी डिवाइडेड होती थी। ठीक है, ट्रेजरी थी और फ्रंटियर कमांडर, चीफ गार्ड, आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त एक डिविजन है। ठीक है, तो ये चीज थी। तो भाई अब तो वो है ही है कि चाणक्य का दिमाग बहुत तेज था। ठीक है, तो इन सब चीजों में उन्होंने काफी उन्होंने फोकस किया था और ध्यान भी दिया था, क्योंकि भैया अल्टीमेटली गवर्न उनको लोगों को करना था। ठीक है, तो फाइनली ये मेरे लेक्चर का एंड है। चंद्रगुप्त मौर्य पे मैंने सारी चीजें बताई हैं, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिए। अगला जो लेक्चर होगा वो सम्राट अशोक पे होगा,
इस पूरी की पूरी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। काफी कुछ मैंने आप पे भी छोड़ा है, जरूर सर्च करिएगा और देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा है उसका जरूर आंसर करिएगा। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड यस शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।